ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। ये भेंटवार्ता स्कूल की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने में छात्रों की भूमिका पर केंद्रित है। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता, जिसमें सचिन दुबे से बातचीत कर रहे हैं दीपक निषाद। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत करते हैं आपका इस भेंटवार्ता में। और आज की इस भेंटवार्ता में भाग लेने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आपका हम परिचय दे दें। आज हमारे साथ हैं सचिन दुबे जी। आप सागर में जन्मे हैं और सागर में ही आपकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई है। इसके साथ ही साथ आप वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक संस्थान में ई गवर्नेंस सेक्टर में कार्यरत हैं। आप बिजनेस हेड के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही साथ सागर के एक सामाजिक संस्थान के विद्यालय में आपने अध्ययन प्राप्त किया है और इस कारण से आपके अंदर सामाजिक सरोकारों के प्रति बहुत गहरा आग्रह है, बहुत गहरा झुकाव है। और आज के कोरोना के जैसी स्थिति में, कोरोना जैसे विपरीत काल में, विपत्ति काल में निजी विद्यालयों में आर्थिक संकट की स्थिति बहुत गहरा गई है और सचिन दुबे जी और आपके साथ के सहपाठियों ने समाज में एक सकारात्मक पहल की है इस समस्या से जूझने के लिए, इस समस्या से पार पाने के लिए। और इसके साथ ही साथ आप लोगों के लिए पहल लगातार और लोगों को अपने साथ जोड़ती जा रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने आज आपको आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में, आपको जोड़ने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए और आपके माध्यम से समाज में एक संदेश प्रसारित करने के लिए। तो सचिन दुबे जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से सर्वप्रथम मैं आकाशवाणी परिवार की और सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें। भारत देश जो वीरों का देश है और हमें एक साथ एक होकर एक दूसरे के लिए खड़े रहना होगा और ये विपत्ति काल में शीघ्र ही ये खत्म होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जी जी, हम सभी के लिए आशा है, प्रार्थना है, दुआ है कि ये विपत्ति काल जल्दी ही हमारे देश से खत्म हो जाए और जिंदगी पहले जैसे सामान्य हो जाए। हम बातचीत की शुरुआत करते हैं सचिन दुबे जी, और आपसे सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि आपका मूल काम क्या है, किस पेशे से आप जुड़े हुए हैं और किस तरह का आपका काम है, ताकि हमारे श्रोताओं को आपका एक सामान्य परिचय मिल जाए। दीपक जी, जैसे कि आपने बताया कि मेरा जन्म और फिर प्रारंभिक जो शिक्षा है वो सागर में ही हुई और उसके बाद जो है मैं लगातार भोपाल, इंदौर, फिर दिल्ली में आया। तो वर्तमान में मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ उसको ई गवर्नेंस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। इस सेक्टर में जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिससे भारत के नागरिकों को बहुत सुविधाएं मिले, उसके लिए हम जो है गवर्नमेंट के जो टेंडर्स होते हैं उसमें अप्लाई करते हैं। फिर वहां से जो हमें टेंडर मिलता है, जो दिशा निर्देश मिलते हैं, उससे अक्रॉस दी इंडिया पूरे भारत में उस प्रोजेक्ट का जो है वो संचालन करते हैं। वर्तमान में आपने सुना होगा आधार कार्ड प्रोजेक्ट और फास्टैग प्रोजेक्ट। तो आधार कार्ड का प्रोग्राम और फास्टैग का जो प्रोग्राम है भारतवर्ष में पूरा जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है और ये बहुत बड़ा सहयोग हम कह सकते हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी देश के विकास में बहुत बड़ा सहयोग कर रही है, बहुत तल्लीनता से काम कर रही है। जी सचिन जी, बहुत अच्छी बात है और देश के योगदान में आपके संस्थान और आपकी टीम काम कर रही है। अब हम आना चाहेंगे वर्तमान विषय पर और जिस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमने आज आपको आमंत्रित किया है, और वो समस्या बहुत गंभीर है। हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन का ये समय चल रहा है और लॉकडाउन में ऐसी ऐसी समस्याएं उभर करके दैनंदिन हमारे सामने आ रही हैं जिसकी कल्पना कभी किसी ने की नहीं थी और जिसकी तैयारी पूर्व में कभी की नहीं गई थी। चूंकि ये समस्या बहुत तात्कालिक है, इसलिए बहुत तात्कालिक स्तर पर इसे रिस्पॉन्स करना, इस पर प्रतिक्रिया देना भी बहुत जरूरी है। तो उसमें से एक समस्या और आ रही है जिसके ऊपर आपने अपने टीम के साथ काम किया है, वो है निजी विद्यालयों में फंड की समस्या और फंड के कारण जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको मिलने वाली सैलरी यानी तनख्वाह की समस्या। तो इस समस्या को देखते हुए आप लोगों ने अपनी टीम के साथ मिल करके क्या काम किया है? जी हाँ दीपक जी, आपका कहना सही है। ये बात लगभग मार्च खत्म होने का था, अप्रैल शुरू होने की बात थी जब ये बिल्कुल घोषित रूप से ये बात सबने जान ली कि कोरोना जैसी जो विपत्ति काल है वो बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारी जो सरकार है, वो भी हमें बार बार इस बात का संदेश देती है कि इसकी हमें आदत डालनी होगी। और चूंकि परेशानी जो है वो सभी सजीव निर्जीव हर प्राणियों से संबंधित है, लंबे समय तक चलने वाली परेशानी है, तो ये समय है कि हम सबको एक साथ खड़े होके एक दूसरे का सपोर्ट करके हमें इस विपत्ति काल से जूझना होगा। जी। तो बात जो है वो 5 या 6 मई के आसपास की है, लगभग आज से 10-12 दिन पहले की बात है, जब अचानक हमें इस बारे में जानकारी मिली जिस विद्यालय में मैं अध्ययनरत था 14 साल तक,
वहां मुझे एक ऐसी जानकारी मिली कि आर्थिक संकट का दौर आ चुका है और वहां पर चूंकि कुछ अभिभावकगण जो है वो अपने छात्रों अपने पुत्रों की जो है वो फीस वगैरह भी जो है वो जमा वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जिस संस्थान से आप पढ़े हुए हैं वहां से आपके भावुक संबंध होते हैं और इस भावुक संवेदना का ध्यान में रखते हुए एक हमारे मित्र हैं जो मेरी ही बहन से हैं राहुल जैन, उन्होंने पहली बार इस बारे में उनके दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना सचिन और हम कई सारे मित्रों से उन्होंने बोला कि यार क्यों ना हम ऐसा करें कि हम अपने आचार्यगण गुरुजनों के लिए कुछ फंड इकट्ठा करें। आज हम लोग सब उन्हीं के आशीर्वाद से माता पिता गुरुजन के आशीर्वाद से इतने आगे बढ़ गए हैं तो हमें कुछ करना चाहिए जी। तो उन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव जो है वो प्रेरित किया और फिर उसके बाद हम सब लोगों ने मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और आप विश्वास करिए मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट और बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ कि स्कूल से निकलने के लगभग 13-14 साल से ज्यादा मुझे हो चुका है और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने शायद अपने विद्यालय के लिए बहुत कुछ करने के लिए कोशिश करी और मुझे बहुत संतुष्टि का अनुभव हो रहा है। निश्चित रूप से ये ऐसा कार्य होता है जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बहुत संतुष्टि का भाव होता है, ये संतुष्टि का भाव ही आपको और अच्छा करने के लिए लगातार प्रेरित करता है। और आपने ये बताया कि संकट का समय कितना भी गंभीर क्यों ना हो कितना भी खतरनाक भयावह क्यों ना हो लेकिन यदि हम एक दूसरे का हाथ थाम लें तो ये समस्या बहुत छोटी नजर आती है, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से आप लोगों ने इस सकारात्मक विचार का इस सकारात्मक पहल की चेन बनाई एक श्रृंखला बनाई और ये श्रृंखला लगातार बढ़ती चली जा रही है। सचिन दुबे जी आपसे इस समस्या के बारे में हम और जानना चाहेंगे विस्तार से कि कैसे आपको इसके बारे में पता चला, आपने बताया ही हमें लेकिन लोगों को जोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, कैसे इतने सारे लोगों को चूंकि आप 13-14 साल आपको विद्यालय छोड़े हो चुका था और आप सिर्फ अपने बैच के लोगों से या बहुत हो सकता है तो अपने आगे के या पीछे के बैच से परिचित हो सकते थे लेकिन पूरे विद्यालय के पुरातन छात्रों को जोड़ना ये बहुत बड़ी चुनौती का काम था, ये काम आप लोगों ने कैसे कर दिखाया और कितने बैच के लोगों को आप लोगों ने अपने इस मुहिम के साथ जोड़ पाने में सफलता हासिल की? दीपक जी आपका प्रश्न जो है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक्चुअल में इस पूरी अभियान का यही सबसे बड़ा हमारे लिए संघर्ष था कि हम कैसे लोगों के पास पहुंचे और कैसे जुड़े। तो दीपक जी एक्चुअल हुआ ये कि हमारे लिए पहुंचना बहुत ज्यादा कठिन है, पहले भी कठिन था अभी भी कठिन है, हम लोग बहुत विद्यार्थियों तक पूर्व विद्यार्थियों तक हम लोग पहुंच गए हैं लेकिन यदि एक बार हम उनके पास पहुंच गए हैं और यदि हमने उनको ये बात बताई है यथास्थिति से अवगत कराया है कि ये बहुत बड़ा अवसर हमारे लिए है कि हमें जो विद्यालय ने दिया है जिसके कारण आज हम खड़े हुए हैं आज हमें वो चीज उनको लौटाने का समय आ चुका है, हम कभी लौटा नहीं सकते जो उन्होंने हमें जीवन में दिया है लेकिन एक बहुत बड़ा अवसर है। तो ये बहुत कठिन था कि लोगों के पास हम कैसे पहुंचे, एक बार पहुंच गए तो फिर उनको बताना बहुत आसान था और बहुत भावुक होकर वो लोग हमारे अभियान में जो है वो शामिल हुए। तो हमने सबसे पहले जो आपने पूछा कि हमने किस तरह की स्ट्रेटेजी को डेवलप किया, तो सबसे पहले दीपक जी हमने सन 1995 से लेके सन 2015 तक जितने भी हमारे विद्यार्थी थे जो पास आउट हुए थे विद्यालय से उनसे हमने संपर्क साधा, कई सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं, मैं जिस बैच से बिलोंग करता हूँ उससे एक दो सीनियर बैच और एक दो जूनियर बैचेस जो थे उनसे हमारा संपर्क थोड़ा बहुत था, बहुत ज्यादा नहीं। तो चैन बदली गई, हमने एक से संपर्क किया, एक ने दो से संपर्क किया, फिर होते 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 चैन बढ़ गई और आज इतना एक हृदय में एक अलग ही उत्साह उन्माद की स्थिति है कि आज दिन में मुझे लगता है कि लगभग हम लोग 13-14 घंटे लगातार इस अभियान में लगे हुए हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से और इसमें बहुत सारे हमारे जो सीनियर भैया लोग हैं जिनसे हमें गाइडेंस मिलना चाहिए उनसे हमें गाइडेंस मिला, जो जूनियर है उनसे हमें ऊर्जा मिली और अब हम लोग जो है वो धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो सन 1995 से लेके 2015 तक के सारे विद्यार्थियों को जोड़ने में हम सफल हुए दीपक जी और हमारा भी समय है, अभी हमारा और लक्ष्य है कि हम और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। हमारा जो आंतरिक रूप से जो लक्ष्य है वो हमने सोचा है कि कम से कम 2500 से 3000 पूर्व विद्यार्थियों को हम जोड़ें जिससे जितनी ज्यादा संख्या होगी जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा जितने ज्यादा मोती एक माला में होंगे उतनी आसानी से जो है वो हम अपने शिक्षण संस्थान को सहायता कर पाएंगे। मेरा ये भी मानना है दीपक जी कि शिक्षण संस्थान बहुत महत्वपूर्ण है, यदि शिक्षण संस्थान ही एक ऐसी कड़ी है यदि इस संस्थान को किसी भी तरह से कोई भी नुकसान होता है तो उससे भारत देश को भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान है। तो मैं और मेरी तरह जितने भी युवा वर्ग हैं उन सबको सबसे पहले जिन शिक्षण संस्थानों से वो लोग निकले हैं उस शिक्षण संस्थानों का उनको आकलन करना चाहिए, उनको अपने ग्रुप डिवाइड करने चाहिए 25, 50, 100, 200, 200 के ग्रुप डिवाइड करके वो जो भी उनसे हेल्प बने चाहे वो शारीरिक हेल्प हो चाहे मानसिक हेल्प हो चाहे वो आर्थिक हेल्प हो
जरूर उनको करना चाहिए और एक देश के विकास में बहुत बहुत सहयोग देना चाहिए। निश्चित रूप से शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है और भविष्य के जो कर्णधार होते हैं उनकी नींव इन्हीं शैक्षणिक संस्थाओं में रखी जाती है और इस बात को भलीभांति आप और आपकी पूरी टीम समझती है और ये आपका संदेश निश्चित रूप से तमाम जो विद्यालयीन छात्र हैं और जो कभी छात्र रहे हैं और आज अच्छे अच्छे पदों पर शोभामान हैं वो आपकी बातों को सुन रहे हैं और सभी को ये आकलन करने की जरूरत है कि आज की स्थिति में उनके विद्यालय की यथास्थिति क्या है और आपका ये जो काम है आपकी पूरी टीम का ये जो काम है जिस तरीके से आप लोगों ने ये मुहिम चलाई और लोगों को जोड़ना शुरू किया श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये निश्चित रूप से बाकी लोगों के लिए भी समाज के दूसरे लोगों के लिए भी और दूसरे क्षेत्र के लोगों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। निश्चित रूप से बहुत अनुकरणीय और बहुत अद्भुत पहल है ये। जी हाँ दीपक जी, मैं दो पॉइंट और बोलना चाहूंगा यदि आप मुझे परमिशन देते हैं। जी जी, पहला ये कि ये वाली जो मुहिम है जो हमने ये अभियान जो जारी किया है इस अभियान में बहुत सारे लोगों का सहयोग है। सारे लोगों का नाम मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि उनकी संख्या लगभग 400 से 500 है, लेकिन मैं चाहता हूं कि समाज के पास उन शूरवीरों के नाम जरूर आए जिन्होंने मिलकर इस लड़ाई में देश के विकास में सहयोग किया है। जी। उसमें जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था राहुल जैन है, अनुराग सेन भैया है जो मुझसे लगभग 6-7 साल सीनियर थे, दिग्विजय सिंह है, मनोज वैद्य है, नीरज पटेरिया है जो बहुत ऊर्जा से हमारे साथ कर रहे हैं, राहुल बाखले भैया है, आकाश भैया है, अखिलेश गौतम, अमित तिवारी, अनिल चौबे, विपिन दुबे, चंदन गुप्ता, दीपक तिवारी, मनीष ब्याज भैया, प्रभात गुप्ता भैया, राहुल तिवारी, मंजुल सूर्यकांत भैया, ऐसे बहुत सारे लोग, वृंदा, बहुत सारे लोग जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने इस स्ट्रेटेजी को बनाया तो हमने एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि जो भी हमने शिक्षा अभी तक अर्जित करी अपने विद्यालय से या अपने कॉलेजेस से तो हम इस पूरे अभियान को एक प्रोग्राम और एक प्रोजेक्ट के तौर पर ड्राइव करते हैं। हम हर हफ्ते हमने एक कोर ग्रुप बनाया हुआ है दीपक जी, उस जो कोर ग्रुप है उसमें लगभग हर 1995 से लेकर 2015 के वर्षों से पास आउट हुए विद्यार्थियों के समूह में से हमने दो दो तीन तीन लोगों को चुना है या कुछ जो लोग कम फॉरवर्ड होके आए हैं वो हमारे कोर ग्रुप में है, उनके साथ एक अलग हमारा समूह है। कोर ग्रुप के साथ जो है वो हमारी हर सप्ताह में एक दिन जो है वो वीडियो कॉल होती है, उस वीडियो कॉल में हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमने अगले एक हफ्ते तक हमारे क्या लक्ष्य होंगे, पिछले जो लक्ष्य हमारे थे उसका क्या स्टेटस है, क्या स्ट्रेटेजी है, और लगातार जो है वो हम लोग शामिल हैं। ये जो कोर ग्रुप है जो पूरे 2000-3000 विद्यार्थियों को नेतृत्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी कोर ग्रुप में हम लोग डिसाइड करते हैं सभी की आवाज से ही एक आवाज बनती है, जो हम डिसाइड करते हैं यही विद्यार्थीगण, यही रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वापस अपने उन साथियों, उन सहगामियों के पास जाते हैं और उन सहगामी के साथ मिलके जो है वो आगे की बात को जो आगे बढ़ाते हैं। तीसरा पॉइंट और मैं साथ में जोर देता हूँ इसमें दीपक जी, मेरे गुरु जी हैं श्री दत्ता जी, गुरु जी हैं शास्त्री जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया था जब मैं बचपन में था कि जीवन में सामाजिक सरोकारों में यदि आपको आगे बढ़ना है तो तीन चीजों का ध्यान रखना होगा, तीन तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अग्रगामी, सहगामी और पश्चगामी। और इस पूरी अभियान में मुझे उनका ही एक जो वाक्य, जो बोध वाक्य यही काम आ रहा है, यदि आप किसी संगठन को तैयार करते हैं तो अग्रगामी मतलब सचिन दुबे से सीनियर जो लोग हैं अग्रगामी हैं उनसे हमें सलाह मशवरा गाइडेंस की जरूरत है, सहगामी मतलब जो मेरे बैच से बिलोंग करते हैं उनसे मुझे लगातार सहयोग की आवश्यकता है, साझेदारी की आवश्यकता है, और तीसरा जो पश्चगामी है जो मेरे जूनियर्स हैं उनसे हमेशा मुझे स्नेह में बात करनी होगी, उनको स्नेह देना होगा और उस स्नेह से जो है वो अपनी ऊर्जा जो है वो सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम में लगाएंगे और जिससे ये पूरा अभियान जो है वो हमारा सफल होता हुआ मुझे दिख रहा है। और मुझे बहुत गर्व है सागर शहर पर, मुझे बहुत गर्व है अपने मित्रों पर, हमारे जेस और अनुजों पर कि हम सब मिलकर ये चीज कर पा रहे हैं। अभी यात्रा बहुत लंबी है लेकिन हम बिल्कुल नहीं रुकने वाले हैं दीपक जी, परमपिता के आशीर्वाद से हम जरूर इसको सफल कर रहे हैं और आगे भी सफल करते रहें। जी बहुत अच्छी बात है सचिन जी कि पूरी तरीके से प्लानिंग और प्रोजेक्ट के साथ आप प्रोग्राम के साथ काम कर रहे हैं और पूरी कॉर्पोरेट शैली में आप लोग पूरी कॉर्पोरेट स्टाइल में काम कर रहे हैं, हर चीज़ का फीडबैक ले रहे हैं, क्या हुआ, क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और एक बात कहनी पड़ेगी कि पूरी तरीके से आधुनिकता और पारंपरिकता का समन्वय है आपकी पूरी ये मुहिम, क्योंकि आपने इसमें कहीं से भी किसी चीज को नहीं छोड़ा है। आपसे हम पुनः हम अपने मूल मुद्दे पर ही बात करना चाहेंगे सचिन जी,
कि शुरुआत में जब ये काम आपने शुरू किया तो आप लोगों के मन में क्या कोई संशय था कि हम लोगों तक पहुंच कैसे बना पाएंगे, लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जाएगी, कहीं लोगों का समर्थन नहीं मिला, कहीं सहर्ष तरीके से लोग हमारे साथ नहीं जुड़े, कहीं हम असफल हुए तो क्या होगा, ये कभी आप लोगों ने सोचा था? बिल्कुल, ये जो प्रश्न है दीपक जी, बिल्कुल स्वाभाविक प्रश्न है। जब किसी भी अभियान को शुरू करते हैं तो ये परेशानी आती है, क्योंकि विद्यालय के माता पिता से कुछ इस तरह का आशीष हम सभी विद्यार्थियों को मिला है कि हमें इस तरह की चुनौतियों से सामना करने में कभी डर नहीं लगा और कभी हम लोगों में निराशा का भाव नहीं आया। जब हमने ये शुरुआत करी तब कुछ विद्यार्थियों, कुछ हमारे जो मित्र थे जो कुछ स्कूली शिक्षा से संबंधित थे, कुछ बाहर के थे, तो उन्होंने कहा कि सचिन, इस तरह की आर्थिक मदद की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सरकार तो है वो तो सारी संस्थाओं की हेल्प कर ही रही है और निजी विद्यालयों का जो है बहुत ज्यादा फंड पहले से ही इकट्ठा होता है। उस समय बहुत तरह तरह के उदाहरण जो है वो हमारे पास आए, लेकिन हमने उस समय निराशा नहीं करी, क्योंकि वो हमारे मित्र थे तो हमारा भी अधिकार था कि हम अपनी बात जो है उनको पहुंचाएं। तो हमने अपनी बात पहुंचाई, हमारे मित्र है अनिल चौबे, उन्होंने बहुत अच्छी बात मुझे कही जब ये वाली बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि देखो सचिन, इस तरह की बातें होंगी कि लोग आपको कहेंगे कि नहीं आप इस अभियान में शामिल मत होइए, लेकिन यार इस बात का तो आप ध्यान रखोगे, यदि आप किसी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर यदि आप कुछ दान करते हैं तो क्या आप ये सोचते हैं कि पहले से ही पैसा है या नहीं है उनके पास धन है कि नहीं, तो आपके हमारे जो गुरुजन है, जो आचार्यजन है, वो भी भगवान और ईश्वर तुल्य है, तो जब ये एक्टिविटी हमें कुछ करना है तो हमें ये नहीं सोचना है कि उनके पास कितना है कितना नहीं है, लेकिन यदि उनके पास एक सेकंड के लिए भी हमें लग रहा है कि कुछ कमी है तो हम सबको इकट्ठे होकर आगे बढ़ना चाहिए। तो अनिल चौबे जी ने जो उदाहरण दिया हम लोगों को ग्रुप में, उस तरह से कई सारे उदाहरण हमें सूर्यकांत भैया, चंदन गुप्ता, प्रभात गुप्ता भैया लोगों ने दिया। ऊर्जा से ऊर्जा का समन्वय होता है, सभी लोग मिलकर काम करते गए और हम लोग आगे बढ़ते गए। वर्तमान में परिस्थिति है कि हमारी कोई भी रुकावट नहीं है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सफल हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सचिन जी की, ऊर्जा से ऊर्जा का समन्वय होता है आपका ऐसा कहना है, और लगातार ये ऊर्जा मिल करके आप लोगों को ऊर्जा दे रही है, उत्साह दे रही है, और लगातार उत्साह के साथ आप काम कर रहे हैं। आपसे हम इस मुद्दे पर ये जानना चाहेंगे सचिन जी कि आप लोगों ने चूंकि 3-4 महीने में बहुत सारा मोमेंटम क्रिएट कर लिया, बहुत सारा वॉल्यूम भी क्रिएट कर लिया होगा, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ भी लिया है, तो क्या आप लोगों ने ठीक ठाक फंड इकट्ठा कर लिया? कितने महीने की सैलरी या कितने महीने की खर्चों की बात यदि हम विद्यालय की करें, जिस शिशु मंदिर में आप लोगों ने पढ़ाई की, आप कर पा रहे हैं और आपके आगे की क्या योजना है, कब तक करने का विचार है आपका? इसमें दीपक जी, बात केवल सैलरी तक सीमित नहीं है, आर्थिक संकट जो मैंने बोला, आर्थिक संकट में सारे खर्चे शामिल है, जिस तरह से आपने कहा, तो हम लोग सारे आर्थिक खर्चों का जो ब्यौरा है वो लगातार हमारे जो श्रेष्ठ गुरुजन है, आदरणीय माननीय गुरुजन है, उन लोगों से हम संपर्क करके करते हैं। अभी वर्तमान में हमारा जो सहयोग है वो ये है कि अभी हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में या कुछ इंटरनल डेवलपमेंट में किसी भी तरह का फंड यूटिलाइज नहीं करना चाहते। जो सभी हमारे जो समिति, हमारी पूर्व छात्र संगठन की जो समिति है उसका ये विचार है। अभी हमारा ये सोचना है कि जो हमारे गुरुजन है या हमारा जो विद्यालय है, जिनके जो बेसिक खर्चे हैं जिससे परिवार को चलाने में या छोटी मोटी परेशानियों को चलाने में दिक्कत होती है, तो उनका सहयोग करने के लिए हमने प्रयास किया है। अभी वर्तमान में हमने ये माना है कि अगले 3-4 महीने तक जो है वो हम पूरे जो है वो फंड इकट्ठा करके और तनख्वाह या सैलरी या बेसिक आर्थिक जो जरूरतें हैं उनको पूरा करें, और जब ईश्वर करे कि ये परेशानी जो है कोरोना की बहुत जल्द से जल्द शांत हो जाए, और उसके बाद हम लोग रुकने वाले नहीं है, उसके बाद ये चैन लगातार चलती रहेगी, क्योंकि जिस संस्थान से मैं जुड़ा हूँ वो शैक्षणिक संस्थान से ज्यादा सामाजिक संस्थान है, सामाजिक सरोकार की बात करके वो शिक्षा देती है, और आज के समय में ऐसे विद्यालय मिलना बहुत नसीब में नहीं है समाज को, तो हम उनको लगातार भी कई तरह से हम उनको सहयोग करने की बात हम कर रहे हैं। तो ये जो संगठन तैयार हुआ है ये क्षणिक रूप से नहीं हुआ है, इसके उद्देश्य बहुत छोटे नहीं है, बहुत शॉर्ट टर्म नहीं है, इसका उद्देश्य बहुत लॉन्ग टर्म है, और इसका उद्देश्य केवल एक शहर एक प्रदेश तक सीमित नहीं है, ये देश को डेवलपमेंट की बात होती है, और जब देश के विकास की बात होती है तो शुरुआत जो है वो छोटे से मोहल्ले या छोटे से घर से शुरू होती है, और हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी जी, सामाजिक सरोकार की शिक्षा आपको अपने विद्यालय से मिली, और वही सामाजिक सरोकार आज तमाम जो शूरवीर हैं, जो कर्मवीर हैं, जो आज इस विपत्ति काल में अपने विद्यालय के साथ खड़े हैं, उनके चाल चलन और व्यवहार में साफ दिखाई पड़ती है। सचिन दुबे जी, आप आखिरी में आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये समस्या सिर्फ आपके विद्यालय की समस्या नहीं है, ये अच्छी बात है कि आपके विद्यालय को आप जैसे छात्र मिले, आप जैसे छात्रों की पूरी टीम मिली, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनके शिक्षकों को, जिनके कर्मचारियों को शायद सैलरी नहीं मिल रही हो, या सैलरी मिल रही हो
वेतन मिल रहा हो तो वेतन में भी कुछ कटौती हो रही हो, यानी कि कुल मिला के बहुत एक असमंजस की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो आप बाकी जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी छात्र रहा है, तो हम सबको छात्र कह के संबोधित कर सकते हैं, तो जो भी लोग आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आप लोगों द्वारा लिया गया ये इनिशिएटिव, ये पहल दूसरों के लिए भी एक रोल मॉडल का काम कर सकता है? बिल्कुल दीपक जी, आपका जो प्रश्न है, चाहे मैं उसको प्रश्न कहूँ या संकेत कहूँ या संदेश कहूँ, आपका कहना बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% ये सत्य है कि इस तरह के अभियान को आज के विपत्ति काल में हमें एक रोल मॉडल के तौर पर देश के हर एक जिले, हर एक प्रदेश तक ले जाना चाहिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है दीपक जी कि जब भी कोई बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रथम प्राथमिकता उसका परिवार होता है, और उसके बाद आता है समाज, और समाज में सबसे पहले उसके लिए कोई महत्वपूर्ण होता है तो वो होता है विद्यालय। आज के इस काल में जितने भी निजी संस्थान है, जितने भी इवन निजी या कहें कि सरकारी संस्थान है, वहां के विद्यार्थियों को ये आकलन करना चाहिए कि क्या जहां से मुझे शिक्षा मिलने के बाद जो आज मैं इस पोजीशन पर बैठकर आज सब कुछ सांसारिक जीवन में सफल बना हूं, क्या उनको हमारी जरूरत है? तो अतीत को देखने की आवश्यकता है, उस अतीत की वर्तमान स्थिति जो है बहुत दयनीय है, आपको वहां पर नजर मारने की जरूरत है, और हर एक विद्यार्थी को अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाने होंगे, छोटे छोटे ग्रुप बना के वो लोग जो है सहायता और हेल्प कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, जो मुझे एक मेरे अनुज ने बताया, कहता है कि भैया आप मानिए, जैसे मान लीजिए कि हमें एक वर्ष तक जो है वो सहायता करनी है किसी विद्यालय की, तो हमें कैसे करना चाहिए, मेरे पास आइडिया है। हमने कहा हाँ भाई अनुज, बताओ तुम्हारा क्या कहना है। तो उसने बोला कि भैया एक क्लास में जो है वो लगभग 40-50 जो विद्यार्थी है वो स्टडी करते हैं। कि हाँ करते हैं। कि भैया मानिए कि यदि एक विद्यालय में 40-50 लोग यदि करते हैं, और 50 लोग यदि मान लीजिए मिनिमम 500 रुपीज भी अपने एक महीने का खर्चे में से 500 रुपीज भी यदि अपने विद्यालय को यदि देना शुरू कर दे अगले एक वर्ष तक, डेढ़ वर्ष तक, या जब तक उनका मन है या जब तक विपत्ति काल है, तो मान के चलिए केवल 500 रुपए आपकी जेब से यदि एक बार निकलता है महीने में, मात्र 500 रुपीज, तो आपकी पूरी संस्थान जहां से आपने शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप सांसारिक जीवन में सफल कहलाए हैं, वो पूरी शिक्षा संस्थान को आप पूरा 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 सहयोग कर सकते हैं, और जो आपको आशीर्वाद मिलेगा आपके गुरुजन से, उससे पूरे देश का विकास होगा, आपकी सार्वभौमिक विकास होगा, और पूरा देश जो है वो आप पे गर्व महसूस करेगा। बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, बस आगे बढ़ने वाली बात है। इस विपत्ति काल में सबको एक होना पड़ेगा, बहुत छोटे छोटे से योगदान देने से एक बहुत बड़ा योगदान मिल जाएगा। तो मेरी अपील है, मेरी आह्वान है, जो जो श्रोतागण इस बात को सुन रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया करके आप अतीत में जाके देखिए आपके विद्यालय जो है वो दुखदायी अवस्था में है, क्या परेशानी में है, जानने की कोशिश करिए और इकट्ठे होइए, एक माला के मोती की तरह पिरोइए, एक माला के मोतियों की तरह आप लोग इकट्ठे होइए और सपोर्ट करिए, आगे बढ़िए। आपको बहुत आशीष मिलने वाला है आपके गुरुजनों और माता पिता से, जिससे आप जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे, पर यह समय है कि आप जरूर उनका सहयोग करें, और बहुत छोटा छोटा सहयोग जो मैंने आपको बताया है। निश्चित रूप से सचिन जी, बहुत अच्छी अपील आपकी है, और छोटा छोटा सहयोग बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हर किसी को अपने अतीत के वर्तमान में झांकने की जरूरत है, उसकी समस्या को, उसकी संवेदना को महसूस करने की जरूरत है, और पूरा रोडमैप आप लोगों ने बताया कि किस तरीके से आप लोग संगठित होकर के, एक साथ एकजुट होकर के इस पूरे अभियान को संचालित कर रहे हैं, और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, जैसा कि आपने भी बताया कि हमने समाज से लिया है तो समाज को वापस लौटाना भी हमारी जिम्मेदारी है। जिस विद्यालय से हमने पढ़ाई की है, जिस विद्यालय ने हमें इस सांसारिक दुनिया में इतना सफल बनाया, क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें भी आज इस विपत्ति काल में उसके लिए कुछ करना चाहिए? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सचिन दुबे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने अपने व्यस्तम समय में से हमारे श्रोताओं के लिए वक्त निकाला और इतना महत्वपूर्ण संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुनी, लॉकडाउन में स्कूल की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने में छात्रों की भूमिका पर केंद्रित भेंटवार्ता। इस भेंटवार्ता में सचिन दुबे से बातचीत कर रहे थे दीपक निषाद। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है।